CSIR IIIM जम्मू में आज दो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स का आयोजन किया गया और पीएमओ में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मौके पर यहां पहुंचे थे और ये दोनों इवेंट जो थे ये यहां पर ऑर्गेनाइज किए गए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और 11th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोसाइटी फॉर एंथोफार्माकोलॉजी। तो ये दो इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए और बड़ी संख्या में की स्पीकर्स जो थे वो यहाँ पर आमंत्रित थे, जिन्होंने कि यहाँ पर अपने विचार रखे। एक अलग ही लेवल का आप कहें कि इवेंट जो था वो यहाँ पर आज इसका इनॉग्रेशन किया गया और 16 से लेकर 18 फरवरी तक ये इवेंट यहाँ पर होगा, जिसका कि सीधा लाभ जो है वो जनमानस को पहुँचेगा। CSIR IIIM की बात करें तो जम्मू में कई शोध जो हैं वो इस लैब ने किए हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आज हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन उनका अगर आप कहें कि शोध जो था वो इसी लैब में हुआ। तो आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे, ये दो इंटरनेशनल इवेंट जो थे वो आज यहाँ पर उनका इनॉग्रेशन किया गया और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में आप कहें कि रिस्पॉन्स, एक बहुत ही मजबूत रिस्पॉन्स जो था वो इन दोनों ही इवेंट्स पर आज देखने को मिला। A shawl and a memento from our Director General Ma'am Dr. N. Kalai Silvi to Dr. Jitendra Singh, Honorable Union Minister of State, Independent Staff of Science and Technology, Minister of State in the PMO Ministry of Post. We may now have applause, please. सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं डॉक्टर जबीर अहमद और इनकी सारी की सारी टीम। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर इवेंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समारोह और भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में इतने बड़े स्केल पर किसी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है 3 दिन के लिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसमें लगभग 20 देश बाहर से भाग ले रहे हैं, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आपने जैसा देखा होगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर IIIM CSIR के द्वारा और इन्हीं के सौजन्य से अरोमा मिशन जो प्रारंभ किया गया था और जम्मू कश्मीर जिसके चलते आज जन्मस्थान कहा जा रहा है, बैंगनी क्रांति का, पर्पल रेवोल्यूशन का, उसका शो केसिंग हुआ, उसका टेबलॉय था वहां पर। और जम्मू कश्मीर ने IIIM CSIR के माध्यम से पूरे देश को एग्री स्टार्टअप का एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया विकल्प, एक नया आयाम दिया है। ये वही इंस्टीट्यूट है जिसने दुनिया को सबसे पहले मिंट इजाद करके दिया था। यहाँ पर ही देश का पहला कैनाबिस का प्रोजेक्ट चल रहा है कि जहाँ इस क्षेत्र में बहुत नशाखोरी है, लेकिन नशे की दवाइयों को, अच्छे नशे के पदार्थों को औषधि के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उस दिशा में ये कदम है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरोमा मिशन को लेकर के भदरवाह के छोटे से कस्बे का जिक्र अपने मन की बात में लगभग 3-4 मिनट तक किया, उस सबसे हम प्रोत्साहित हुए हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से, और मुझे ये भी प्रसन्नता है कि इसी मंत्रालय में, विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के मंत्रालय में, गत कुछ एक महीनों में 3 सक्सेस स्टोरीज उमर करके आई। सबसे पहले DNA का पहला वैक्सीन जो हमने दुनिया के दूसरे देशों को भेंट किया बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से, अरोमा मिशन जो CSIR की ओर से आया जम्मू कश्मीर में जिसकी पैदाइश, और तीसरा हमारा स्पेस का कार्यक्रम चंद्रयान जिसका भी शो केसिंग 26 जनवरी को आपने देखा। और आने वाले समय में हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार जो अनखोजे अंतराशे सरमाए थे हिंदुस्तान के, अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज जो ना कोई किसी सरकारों ने तलाशा ना तराशा, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता के कारण ये आज संभव है। हिमालय की बसे में, की गोद में बसे ये 3 राज्य हैं, एरोमेटिक रिसोर्सेज से भरपूर, मेडिसिन रिसोर्सेज से भरपूर, और दूसरी तरफ हमारा समुद्री तट जो लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा। तो इन सरमायों को जब इस्तेमाल में लाया जाएगा तो भारत की इकॉनमी जो 10वें दर्जे से आज 5वें दर्जे पर है, बहुत जल्दी 4थे दर्जे पर आने वाली है, अगर कुछ एक 3-4 वर्षों में 3रे दर्जे पर होगी, उस वैल्यू, उस इकॉनमी की वैल्यू एडिशन में जम्मू कश्मीर की प्रमुख भूमिका रहने वाली है। और जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हैज एन अपॉर्चुनिटी टू बी द टॉर्च वेयरर ऑफ मोदीज विकसित भारत।